चंद्रयान 3 की सफलता का सबसे बड़ा संयोग सावन शिव और चंद्र के अद्भुत योग से चंद्रयान 3 सफल। भदोही के ऋषि पहुंचे महाकालेश्वर, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर। युवा भाजपा नेता ऋषि शुक्ला है कुबेर स्टेडियम के प्रबंधक। अब देखिए कैसे सफल हुआ मिशन चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। यह सफलता इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हौसले की भी है जिसके सामने दुनिया के तमाम देश आज की तारीख में हिंदुस्तान की शक्ति का एहसास कर न सिर्फ गले लगा रहे हैं बल्कि तमाम देश भारत के सामने अपना शीश तक झुका रहे हैं। जितना सच यह है उतना ही यह भी सच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे मायने में शिव शक्ति के उपासक भी हैं। साथ ही इस बार सावन का अधिक मास और सावन के साथ शिव की उपासना और शिव के साथ चंद्र के अद्भुत संयोग के बीच भदोही जिले के भोसिया स्थित कुबेर स्टेडियम के प्रबंधक युवा भाजपा नेता ऋषि शुक्ला जैसे तमाम भारतीयों की चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर महाकाल के दर्शन की मनौती ने उस सपने को वरदान में तब्दील कर दिया जो चंद्रयान 2 के चकनाचूर सपने के दौरान हर भारतीय के दिल में दुख के रूप में उमड़ा था। अब बतौराई क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता कुबेर स्टेडियम घोसिया के प्रबंधक ऋषि शुक्ला के जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें भाजपा नेता ऋषि शुक्ला की पहचान गरीबों की मसीहा के रूप में है। ऋषि शुक्ला ने चंद्रयान 3 की सफलता पर समर्थकों के उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन किया। कहा कि जनता के कल्याण के लिए तीर्थ पुरोहितों के साथ नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन भी किया है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शीघ्र ही वह भदोही में लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर सचिन शुक्ला, चंदन यादव, राहुल शुक्ला, ललित ओझा, अभिषेक तिवारी, सोहन गुप्ता, मोहित गुप्ता, सौरभ गुप्ता, मोहित गुप्ता, विवेक शुक्ला, ज्ञानी शुक्ला आदि युवा भी उनके साथ धर्म कर्म पथ की यात्रा पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BNN TV।